इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बेल मिल गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जेल में और जेल से बाहर आते हैं बेल पर, लेकिन जो चार्जेस हैं उन पर उससे बरी नहीं होते, तो ये जश्न का विषय नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन विषयों के आधार पर उनके खिलाफ एजेंसीज ने केस किए हैं, उन विषयों पर जो तथ्य कोर्ट के माध्यम से जनता के सम्मुख आए हैं, वो चौंका देने वाले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब देश की राजनीति में आए तो एक एक्टिविस्ट बनकर आए थे, उन्होंने स्वच्छ राजनीति का वादा किया था, लेकिन राजनीतिक पायदान चढ़ते चढ़ते वो देश की तिजोरी साफ करने लगेंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो अगर आज उनको बेल मिलती है तो मुझे नहीं लगता वो कोई जश्न का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीजर्स के अंतर्गत क्या कोर्ट का प्रमुख और अंतिम फैसला आता है, वो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कंट्रीब्यूशन का इतिहास लिखेगा। लेकिन क्या विपक्ष के आरोपों को बल नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उधर हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल, जो विपक्ष एक नैरेटिव करता रहा कि साहब ये सब वेंडेटा पॉलिटिक्स है, केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग। हर दिन विपक्ष एक नया चक्रव्यूह बनाने का प्रयास करता है। कल का चक्रव्यूह ये था कि अगर चीफ जस्टिस के साथ देश के प्रधानमंत्री गणपति जी की आराधना करते हैं तो शायद चीफ जस्टिस एक प्रश्न चिन्ह अपने सर पर लेते हैं। तो आज जो लोग कल की गणेश वंदना से खफा थे, क्या उन्हें इस बात का संतोष हो गया है कि जस्टिस का जो व्हील है वो अच्छे से टर्न हो रहा है? जबरदस्त पलटवार कर रही हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सच बोलने में और सच को समझने से कभी परहेज नहीं होना चाहिए। कल ही आप हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे, आज क्या विपक्ष उन्हें बरी कर देगा? आपको लगता है कि उनके बाहर आने से हरियाणा चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं? चुना गया दिल्ली की सेवा करने के लिए, अगर वो अपना असर पहले दिल्ली की गरीब जनता की सेवा के लिए पहले दिखाएं तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर ना सिर्फ नालियाँ चोक्ड हैं, यहाँ पर ना सिर्फ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, यहाँ पर ना सिर्फ गरीब परिवार आज त्राहिमाम है कि उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर वो वाकई में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझते हैं तो पहली उनकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि आज भी झुग्गी झोपड़ी का वो माहौल जिस पर उन्होंने ये वचन दिया था कि उनको बेहतर ज़िंदगी देंगे, वो बेहतर ज़िंदगी उन्हें कब मिलेगी? जहाँ तक कि हरियाणा चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आप वापस इतिहास के पन्ने पलटें तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि वो सत्ता के सेवक नहीं है, समाज के सेवक हैं। तो पहली सेवा वो दिल्ली की दे दें। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मुझे नहीं लगता कि आज हरियाणा में कोई आतुरता से उस व्यक्ति की बाट जो रहा है जो शराब के घोटाले में जेल गया है।